नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान या डुबकी लगाने का हिंदू मान्यता के अनुसार विशेष महत्व है। जिन लोगों को गर्भ धारण करने में समस्या आती है, वे इस दिन श्री कृष्ण की पत्नी राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। उत्तर भारतीय पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को इस पर्व को मनाया जाता है। इस विश्वास के साथ ही प्रति वर्ष हजारों की संख्या में जोड़े गोवर्धन पहुंचते हैं, जहां वे डुबकी लगाकर राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मध्य रात्रि के समय, जिसे निशिता काल कहा जाता है, यह पवित्र डुबकी लगाने का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। अतः स्नान मध्य रात्रि से आरंभ होकर पूरी रात चलता है। अपनी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो व सफलता के साथ गर्भ धारण हो सके, इसलिए दंपति पानी में खड़े होकर कुष्मांडा व कच्चा सफेद कद्दू, जिसे पेठा भी कहा जाता है, राधा रानी को अर्पण करते हैं। कुष्मांडा को लाल वस्त्र में सजाकर अर्पित किया जाता है। इस वर्ष 24 अक्टूबर को इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत भी करती हैं। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के एक कोने पर रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उसकी संतान की रक्षा की, वैसे सभी की रक्षा करें। राधा कुंड गोवर्धन मथुरा से ज्वाइंट एडिटर न्यूज आचार्य गौरव कृष्ण गोस्वामी कात्यान पचौरी। क्या नाम है? प्रिया। कहाँ से आई? मुजफ्फरपुर। कितने दिन हो गए? 3 साल। अभी भी नहीं हुआ? नहीं। किसको किसने बताया आपको लाने वाले? मेरे हस्बैंड के दोस्त ने। क्या आप स्नान करने आपके आपके मन में इच्छा है और क्या आपका मानना है? इच्छा तो पूरी है कि हमारी जो भी मनोकामना है पूर्ण होंगी। ये क्या नाम है आपका? गौरव। किसको आपको आपके आपको किसने बताया यहाँ के बारे में? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने सजेस्ट करा, सिखा था कि भाई बरादर ये दिन आई होली के फास्ट वाले दिन वहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है, स्नान करके आते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो उनको भी एक साल के अंदर बेबी हो गया था, तो उन्होंने हमें कहा था कि तुम भी जाइए, राधा रानी का दर्शन करो, स्नान करो, तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जो दिल से मांगो। शिवानी यादव। कहाँ से आए? मन में क्या इच्छा और क्या चाह लेकर आए हैं? बच्चे की कामना लेके आई है। 9 साल। क्या आपका मानना है और क्या आपके मन में है? पूरा विश्वास है, राधा रानी खाली नहीं छोड़ेंगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।